आपका नाम क्या? इदरीस। तो आप उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेते हैं यार। वहाँ 15 साल हो गया। 15 साल? लो भाई, लोहरी नाश्ता मिल गया हमें काश्मीर के अंदर। खाते था सुमता। आई होप चाइना के अगले शहरों में भी ऐसी ही हॉस्पिटैलिटी मिलेगी। मतलब बूढ़ी अम्मा से लेके छोटे बच्चा तक सब लोग ही यार बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, सब लोग मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त हम लोग घूम रहे हैं चाइना के बहुत ही ज़बरदस्त शहर काशगर के अंदर। काशगर शहर के खाने और काशगर शहर की गलियां, काशगर के बाज़ार, इनकी जो काशीगिरी है पूरे के पूरे शहर के अंदर देखने से लायक रखती है। कभी भी मौका मिले, आपके पास कभी भी रिसोर्सेज हों, तो ज़रूर पाकिस्तान का ये खंजराब बॉर्डर क्रॉस करें और ये काशगर ज़रूर आएँ। बहुत मज़ा आ रहा है। आज हमारा तीसरा दिन है काशगर के अंदर और हम सुबह सुबह इनकी दोबारा से जो नाश्ते वाली स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर आ गए हैं। और आज मैं चाह रहा हूँ कुछ, मुझे जो इनके कुलचे हैं काशगर के बहुत फेमस हैं, आपको मैं पिछले एपिसोड में दिखाता रहूँ, तो कोई हम स्पेशल कुलचा जो है वो ट्राई करेंगे। देसी खाना खाना है क्योंकि हमें पाए नज़र आए हुए हैं, तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये लोग पाए कैसे बनाते हैं बकरे के, और साथ हम लोग अपना इनका कुलचा कोई अच्छा सा ट्राई करेंगे स्पेशल वाला। तो आ जाए जी, ये देखें जी, लोग सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ते कर रहे हैं। आज ज़रा धूप है, गर्मी है, मज़े की बात है। देखें ये टाइम हुआ है दोपहर के 2 बज गए यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम बजे होंगे कोई 11 बजे होंगे ऑलमोस्ट। ये देखें इधर क्या चल रहा है, इधर तो वो बिरयानी और वो उनका पुलाव शुरू हो गया। ये मटन पुलाव ज़्यादातर लोग यही खा रहे हैं। फाइनली एक रेस्टोरेंट में अवेलेबल हमें मिल ही गया है। तो ये हैं पाए और इसको कहते हैं कभी पाचकी, और बाकी भी काफ़ी हैं सूप वगैरह, लेकिन हम वो बाद में ट्राई करेंगे। हमारे पास है अभी एक दिन और। यहाँ पे अंदर लोग आ रहे हैं, ये छोटा सा इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है और लेट्स सी के कैसा ये सर्व करते हैं, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे अपने सिरी पाए जो लाहौर के होते हैं, फज्जे के और हनीफे के। ओके जी, तो ये इन्होंने सूखा पाया हमें दे दिया बकरे का। जो लोग पाए नहीं खाते उनको शायद इसका बिल्कुल नहीं आइडिया होगा, लेकिन जो लाहौरी लोग हैं उनको तो पता है। अच्छा, तो ये इसके साथ यखनी अलहदा आई है, जिसका हमारा शोरबा होता है ये वो नहीं होता, यानी टमाटर वाला नहीं है ये, बिल्कुल पानी बॉईल की हुई इसकी यखनी है। और अब्दुलरहमान को मैंने भेजा कि यार ज़रा कुछ स्पेशल कुलचे लगवा के ला, क्योंकि बाहर जो तंदूर लगे हुए थे इनके पास ज़रा ठंडा कुलचा पड़ा था। तो पाया काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े बकरे का या दुम्बे का है, टेंडर लग रहा है मुझे काफ़ी, तो इसको ट्राई करते हैं। ये हमें मिला है 11 युआन का। 11 युआन का मतलब है ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का एक पाया, और 5 का यानी 250 रुपये का हमें यह मिला है ऑलमोस्ट ये इसकी यखनी, और 3 युआन का हमें नान मिलेगा जो अब्दुलरहमान अभी लेकर आएगा। जैसे कि आपको चीज़ दिखाऊं कि आपको पता है कि पाए के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा वो चिपचिप होती है, स्पेशली उसने हमें प्लास्टिक के ग्लव्स ला के दिए कि आपने इसके साथ खाना है, अदरवाइज़ आपके हाथों को ये बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाएगा। और हुआ भी है, मैंने सिर्फ अभी पाए को देखे, बकरा ही है तो मुझे इसका टिश्यू से साफ़ करना पड़ा है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इसके अंदर चिपचिप है, तो वो तो पता चल गया कि इसका जो जेलाटिन है वो अच्छा खासा इन्होंने निकाला हुआ है। चलें जी, गर्मा गर्म कुलचा आ गया है 3 युआन का, बहुत बड़ा। अच्छा, इसमें तिल नहीं है, कुछ और लगा हुआ है ब्राउन ब्राउन सा, लेकिन है फिर भी ये गर्मा गर्म। तो अभी हमने शॉपर चढ़ाने हैं हाथों पे, और ये सही है यार पाए खाने के लिए, ऐसे ही होना चाहिए। क्या लवाजमात है यार, बहुत बहुत ज़्यादा चिपकू चिपकू हैं ये। लो जी, बिस्मिल्लाह करें जी सर अब्दुलरहमान। लो जी, लेट्स, ओहो हो हो हो, पहले तो रुखा खाना पड़ेगा। क्या टेस्ट है, कमाल। अब जरा यखनी में डबो डबो के खाते। पाए की यखनी यार, कमाल। अब खाएंगे हम पाए के साथ इसकी डोई बनाकर। ऐसे आपने रोटी को खोलना है, फिर आपने लेना है पाया। ओहो हो, उसके बाद आपने इसको ऐसे डिप करना है।
Amazing, yaar. लो भाई लाहौरी नाश्ता मिल गया हमें काशगर के अंदर। ये देखें यार पाया कितना टेंडर है। जो लोग नहीं खाते उनको तो शायद बिल्कुल भी ना पता लग रहा हो कि हम क्या खा रहे हैं। ये सिर्फ गुजरांवाला और लाहौर के लोग समझ सकते हैं कि इस खाने में कितना टेस्ट है। ओहो हो हो कुलचा क्या कमाल टेस्ट है कुलचे का। ऐसा नहीं है कि सादा मैदे का टेस्ट है, कुलचे के अंदर भी उन्होंने हल्का सा फ्लेवर डाला हुआ है, वो जिस तरह गार्लिक गार्लिक थोड़ा सा आ रहा है उसमें। यार ये जो शॉपर वाले ग्लव्स है ना, ये किसी तरह आप हमारे फज्जे के पाए और जो हनीफे के पाए हैं ना उन तक भी ये पैगाम पहुँचा दें लाहौर और गुजरांवाला में सब में कि यार ये प्लीज़ अपने गागों के लिए ये आप भी स्टार्ट करें। इतने सुकून से हमने खुल डुल के पाए भी खाया है और उसके यखनी के अंदर भी कुलचा उसके साथ खाया है। आपके हाथ बिल्कुल सेफ़ हैं और मज़ा आ गया इसके साथ खाने का। ये चीज़ पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। लो जी मज़ा आ गया नाश्ता करने का और हमने लेट ही किया थोड़ा सा। और अब आज है जुमे का दिन इधर चाइना में, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सिंकियांग सूबा है तो ये सारा मुसलमानों का, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसलमानों के ऊपर सख्ती है। आप लोग अपनी मजहबी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। मस्जिदें सारी 2000 प्लस मस्जिदें थीं जो ये सारी गिरा चुके हैं, और वो जो मुस्लिम एक कल्चर था वो टोटल यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। अगर मैं उसको अरबिक में पढ़ूँ तो आप उसको ईदगाह कह सकते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज के अंदर ईदगाह इसको कहते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं उस तरफ देखने के लिए कि क्या आज अगर जुमा है तो क्या जुमा भी पढ़ने की इजाज़त है या नहीं है। तो अगर इजाज़त मिल गई तो आपको मस्जिद भी दिखाएंगे और जुमा भी वहाँ पे पढ़ेंगे। ये जितनी भी ब्लू कलर की स्कूटियाँ हैं ये सारी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने यहाँ पे लगा के रखी हुई हैं। आपने सिर्फ स्कैन करना होता है अली पे से और आप इलेक्ट्रिक बाइक्स लेकर आराम से अपनी जगह पे चले जाते हैं और कहीं पे भी इसको खड़ा कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें यहाँ पे जो बास्केट्स डस्टबिन का सिस्टम बड़ा अच्छा, इधर हर जगह आपको टॉयलेट भी मिलते हैं और डस्टबिन्स भी लगी हुई मिलती हैं, तो उसकी वजह से पूरा शहर बहुत साफ है। और सबसे अच्छी चीज़ सुबह सुबह आप जब उठते हैं यार पूरा शहर धुला होता है। यार मैं 8 बजे इधर फजर होती है सुबह के 8 बजे, तो आप अगर 8 बजे उठ के अपनी खिड़की से नीचे देखता हूँ पूरी सड़कें गीली होती हैं और हर सड़क सुबह जो है वो धो के गए होते हैं। कभी लाहौर में भी हमारे ये शुरू हो गया था एक ज़माने में, लेकिन अब दोबारा से हमारी लाहौर की गंदगी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आपको रीज़न आप सबको पता है कि हुआ क्या है हमारे शहर और मुल्क के साथ। तो चाइना में लोग जब अपने बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं तो ऐसे बास्केट पीछे पहन लेते हैं और अपने बच्चे को पीछे बास्केट में डाल के बैग की बजाय इसमें डाल के लेके फिरते रहते हैं, उसी में अपना सामान भी डाल लेते हैं। तो इनकी अब हम एक मज़ीद फूड स्ट्रीट के अंदर ही आ गए हैं काशगर। आपको जैसे मैंने बताया कि बस खाने खापे ड्राई फ्रूट्स बारबेक्यूज़ डोनर्स कुलचे और लैम्ब बहुत शौक से खाते हैं ये लोग। बाज़ार में से चलते चलते हम इनकी ईदगाह वाली मस्जिद के करीब आलमोस्ट आ गए हैं, और आप दोबारा से देखेंगे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कितनी कमाल की काशीगरी हुई है इसके ऊपर और इतना खूबसूरत है। और मुझे तो लग रहा है कि शायद ये जो मेरे राइट साइड भी है यही शायद मस्जिद है। कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कि काशगर के अंदर बनी हुई है। अब इसका हमें ये नहीं पता कि ये कितनी बच गई और कितनी रह गई है, ये तो अभी अंदर जाके पता चलेगा। कल मुझे कुछ पाकिस्तानी मिले थे, वो बता रहे थे कि आप सिर्फ बाहर बाहर से पिक्चर उतार सकते हैं अंदर नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि आज जुमा है तो मैं एक्सपेक्ट कह रहा हूँ कि यार शायद जुमा तो एटलीस्ट पढ़ने देंगे, तो उसी बहाने शायद हम मस्जिद के अंदर चले जाएं। ये देखें ये बाबा जी जा तो रहे हैं अंदर, शायद यही है एंट्री, पता नहीं वीडियो बनाने भी देंगे या नहीं। चलता फिरता बारबेक्यू, देख चलती फिरती उसकी टेबल है, जहाँ पे जाता है आराम से दो टांगों के साथ खड़ा हो जाता है।
हम लोग आ गए हैं अब ईद का मॉस्क के स्क्वायर के ऊपर खाना खाने और वॉक करने के बाद। ये बहुत बड़ा एक स्क्वायर है, ये भी एक मस्जिद का आउटर एरिया ही है। जब ईद वगैरह होती होगी तो इधर बहुत बड़ी जो है वो तादाद में लोग आते होंगे नमाज पढ़ने। और पीछे आप अगर आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है इस ईद का मॉस्क की एंट्रेंस। और नॉर्मली जितने भी लोग हैं अगर वो नमाज की टाइमिंग के अलावा अगर यहाँ पर आएंगे तो उनको टिकट देकर अंदर जाना है एज़ अ विज़िटर, और फिर वो जाके साइट सीइंग करते हैं, मस्जिद की देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो इतनी पुरानी बनी हुई है, और उसके बाद जो है वो जो मुसलमान होते हैं वो फिर नमाज के टाइम चलते हैं। तो अभी अंदर जुमा स्टार्ट हो गया हुआ है, हम जल्दी से अंदर चलते हैं और आपको अंदर का थोड़ा सा मनाजर दिखाते हैं अगर ये इजाज़त दे देते हैं। जुम्मे के टाइम का हमें आइडिया नहीं था, लिहाजा जैसे ही गेट पर पहुंचे तो गेट कीपर ने बताया कि नमाज ऑलरेडी चल रही है, इसलिए तेज़ तेज़ भागकर हम अंदर पहुंचे। लेकिन जैसे ही अंदर हॉल में दाखिल हुए तो मौलवी साहब सलाम फेर रहे थे। खैर, फिर हमने अपनी जोहर की कसर नमाज अदा की और कुछ नमाजियों से भी मिले। चाइना में आकर ऐसे मस्जिद, इस्लाम और नमाजें देखना वाकई आपको बहुत अजीब लगता है। ये मस्जिद 996 ईस्वी में बनी और फिर 1442 में मज़ीद एक्सपेंड हुई। ये चाइना की सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ तकरीबन 20,000 से ज़ायद नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत प्यारी मस्जिद है, बहुत पुराने ज़माने की बनी हुई है और छत इसकी बहुत प्यारी बनी हुई है। तकरीबन अंदाजन कोई 250 से 300 लोग होंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले, और अभी बस जुमा ख़त्म हुआ है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हमें सिर्फ सलाम मिला है एंड पे, सलाम हो गया हुआ था, हम पहुँचे तो फिर हमने अपनी जोहर अदा किया, लेकिन दुआ एंड में हमने इकट्ठे पढ़ी है और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत मस्जिद और बहुत पुरानी बनी हुई है, इसके दरवाज़ों के देखने से भी लग रहा है। ये मस्जिद के बाहर सहन बने हुए हैं जिस तरह नॉर्मली हमारी सब मस्जिदों के होते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद तो नहीं है अगर मैं अपनी हमारी पाकिस्तान की और इंडिया वगैरह की हम मस्जिदें कंपेरिज़न करें, लेकिन कहते हैं कि सेंट्रल एशिया की यह सबसे बड़ी मस्जिद है। ये बड़े प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, ये एक सहन ये है और एक सहन वो है, और कुछ सीढ़ियाँ नीचे हैं और बरामदों के बाद फिर उसके अंदर हॉल है। अब ये जितने भी चाइनीज़ हैं, टूरिस्ट हैं, ये काफ़ी मुल्क के डिफरेंट कोनों से आए हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि सब लोग अपनी नमाज़ें पढ़ के वापस बाहर आ जाएं, तो फिर ये लोग अंदर एज अ टूरिस्ट साइट सीइंग के लिए वो इस मस्जिद को देखने के लिए जाएंगे। तो बहुत प्यारी मस्जिद है, अगर आप बाहर से देखते हैं तो बहुत प्यारा ये बना हुआ है येलो कलर की। मस्जिद से बाहर आए तो इस बहुत बड़े स्क्वायर में आपको पूरे चाइना से आए हुए टूरिस्ट मिलते हैं। चाइना के इस सूबे शिनचियांग में क्योंकि फॉरेनर्स बहुत कम आते हैं, इसलिए हमें देखकर यहाँ के बहुत से लोग सेल्फीज बनवाने आ जाते हैं, और इस स्क्वायर पे तो सेल्फी लेने वालों की लाइन ही लग गई थी। आप भी ले लो। तो यहाँ से तो हमें को जाने नहीं दे रहा, जो जो इस मस्जिद से निकल रहा है वो हमें रोक लेता कि आपके साथ पिक्चर उतारनी है। कम से कम भी हम कोई 20-25 पिक्चर्स दे चुके हैं। और या या श्योर श्योर। इसी स्क्वायर पे खड़े हुए हमें अचानक एक चाइनीज एक्सेंट में उर्दू की आवाज आई और हमें एक उर्दू स्पीकिंग चीनी भाई मिल गए।
1500 किलोमीटर 1500 किलोमीटर यहाँ से टूवर्ड्स माई प्रोविंस माई सिटी. ओके, सो ये शान के पास है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो भी शिनजियांग में है ना. अच्छा, वो भी शिनजियांग में है. शिनजियांग में है. ओके, नॉर्थ 1000 किलोमीटर है शिनजियांग में. है शिनजियांग में. शिनजियांग में ही है और रुमची से भी 1000 किलोमीटर आगे. 1000 किलोमीटर. ओके, आपका नाम क्या? इद्रीस. तो आप उर्दू बड़ी अच्छी बोल लेते हैं यार. वहाँ 15 साल हो गया. 15 साल इस्लामाबाद में? अभी मैं उधर जॉब भी करते हैं. जॉब भी कर रहा हूँ. कहाँ पे? और एक चाइनीज कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी. अच्छा, क्या करती है वो? कंस्ट्रक्शन में रोड भी है. अच्छा, वो दासुदेम. हाँ, दासुदेम में वो नारायण वाला ये जो? नहीं नहीं नहीं, नारायण वाला नहीं. हाँ. अच्छा, नहीं रान वाला तो सुखी किनारी है. दासू. हाँ ठीक है. कोहिस्तान में? हाँ हाँ, कोहिस्तान वाला दासू डैम. ठीक है ठीक है. अच्छा, वहाँ आप काम कर रहे हैं? हमारा प्रोजेक्ट है उधर. ओके ओके, ये हम वीचैट आप मेरा ले लो. नाम क्या आपका? बिलाल आजम. बिलाल आजम. आपका? अहमद. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. आपका आ गया. अच्छा, चाइनीज में नाम लिखा हुआ है. चलें यार, अब्दुलमान इस जगह से मूव करते हैं, अदरवाइज लोग तो आते जाएंगे और हमारे साथ सेल्फियाँ लेते जाएंगे. कम से कम भी कोई 30-35 लोगों ने हमारे साथ आके डिफरेंट सेल्फियाँ ले लेके लोग जाते जा रहे हैं और वो बस देखते हैं. कोई एक ग्रुप देखता है कि अच्छा ये कोई ले रहा है कोई यूनिक लोगों के साथ, तो दूसरा भी जो है ना एकदम कोई आ जाता है हमारे साथ सेल्फियाँ लेने. तो ये देखें, ये मस्जिद है और इस मस्जिद के बिल्कुल साइड में जो इसके बरामदे हैं वहाँ पर बाज़ार लगा हुआ है. तो अब देखते हैं यार इनका बाज़ार क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से ख़रीदने वाली हैं. स्वेनियर मैंने अभी तक नहीं लिया यार, ताजगर का कोई पसंद नहीं आया मुझे. हैं तो बहुत ज़्यादा. ये सारे स्वेनियर्स हैं ताजगर के. गर्मी अब शदीद हो गई है तो इधर कुछ ठंडा बेच रही है ये. शर्म आ रही है. यस, कम कम, इसको डर लग रहा है. क्या मसला, क्या ये पिक्चर उतार रहा है. ओके जी, ये हमने लेमोनेड लिया इनसे 5 युआन का, 250 रुपये का आप समझ लें. और इन्होंने काफ़ी पिक्चर्स हम हमारे साथ लेने के बाद फिर हमें ये दी है. लेमोनेड नहीं है ये, किस खरबूजे का शरबत लग रहा है मुझे. ड्रिंक पी लिया, थोड़ा सा सुकून हो गया क्योंकि धूप असल में बहुत तेज़ हो गई है. और ये मस्जिद के बाहर क्योंकि ये सारा ओल्ड टाउन है तो यहाँ पे इनकी सारी काशकर की जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक शॉप्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे ही नज़र आएंगी. हर तरह का छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट, सोवेनियर से लेके एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट बजाने तक आपको यहाँ पे नज़र आएंगे. और वो सामने देखें कितने खूबसूरत इनके घर हैं ट्रेडिशनल, जिनको इन्होंने होटल्स में भी कन्वर्ट किए हुए, कुछ ने रेस्टोरेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ कलरफुल. और नीचे अगर आप देखें तो ये बड़ी ही कलरफुल आपको यहाँ पर ट्रेडिशंस नज़र आएंगी. कैप्स जो हैं वो इनकी बड़ी ही यूनिक हैं, जो इनकी पहचान है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही पहनते हैं यहाँ पर जो भी आते हैं. और अपनी साथ साथ जो सेवेनियर्स हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, वो भी इसी कैप्स की शेप के अंदर ही आपको नज़र आते हैं. पूरे शहर में आपको ये जो टूरिस्ट कार्ट्स हैं ये आपको चलती हुई नज़र आती हैं. पूरा शहर यार ये लोग फिराते हैं. इतना ज़बरदस्त निज़ाम है ना, आपको देख के इतनी खुशी होती है यहाँ पर कि यार ये काश्मीर का टूरिज़्म कैसा ज़बरदस्त इन्होंने उठाया हुआ है. मैं कहता हूँ आप यार चाइना आएँ या ना आएँ, लेकिन आप पाकिस्तान से एटलीस्ट बॉर्डर क्रॉस करके काश्मीर ज़रूर आएँ. क्या खूबसूरत इनके म्यूज़िक. अच्छा, ये म्यूज़िक की आवाज़ ऊपर से आ रही है यार, मैं ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ से इसकी म्यूज़िक इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है. वो ऊपर बजा रहे हैं मेरे ख्याल है. वो देखें, ये दो लोग बैठे हुए हैं
ये लाइव बजा रहे हैं म्यूज़िक, और ये है फोक म्यूजिशियन टी हाउस ऑफ एंशियंट लैंड, ये लिखा हुआ। ये दो लोग जो ऊपर बैठे हैं ये बजा रहे हैं। और ये मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं कि चाइनीज़ जो सिक्के हुआ करते थे एंशियंट सिक्के, वो इस शेप के हुआ करते थे। हाँ, नॉर्मल सिक्के नहीं, ये देखें, या इनके गोल गोल और दरमियान में स्क्वायर होता था, या ये लंबी लंबी इस शेप के हुआ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा अब्दुर्रहमान, क्योंकि मेरे साथ ये ज़रा एंटीक लवर है और कॉइन्स कलेक्ट करता, तो इसके पास ये हर तरह के सिक्के हैं और ये मुझे चीज़ें दिखाता रहता है। अब ये भी देखें, ये सारी एंटीक्स की शॉप्स हैं। ये चाय हैं, कावे हैं इधर के डिफरेंट, इलायची, पुदीना कावा, ये रोज़ टी है। गलियां इतनी ख़ूबसूरत हैं यहाँ की, हर घर के ऊपर आपको बेलें नज़र आएंगी, और इन गलियों में आके तो धूप भी नहीं होती, आपको इतनी मज़ेदार हवा लगती है। ये देखें, ये ट्रेडिशनल घर यार, ये खिड़कियाँ देखें, ये गेट कितना ज़बरदस्त है ना, लग रहा है कि कोई मस्जिद की जैसे एंट्री हो। शायद हो सकता है किसी ज़माने में ये कोई मस्जिद होती हो, लेकिन अभी ये बंद है। यार यहाँ पे एक और ट्रेडिशनल मुझे म्यूज़िक बजाते हैं लोग नज़र आ रहे हैं कुछ पाबे। चलें ऊपर अगर हमें जाने देते हैं तो। वाह काशगर, यू ब्यूटी, क्या वाइब्स हैं इस पूरे शहर की और इस ओल्ड बाज़ार की। आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि आप किस गली में एंटर हुए थे और किस गली में जाते जा रहे हो, बस आप चलते जाओ चलते जाओ, आपको एक से एक भर के खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आएगी। दीवारें, उसकी फ्रंट की खिड़कियाँ, ये लकड़ी का काम, ये सामने देखें ये, और ये वही उनके पार्लर बने हुए हैं यहाँ पे। 100 ईयर ओल्ड टी हाउसेज हैं और यहाँ पे लोग तैयार होते हैं, स्पेशली अपने कॉस्ट्यूम में आते हैं और पूरे बाज़ार में ये फिरते हैं। इनके ट्रेडिशनल खाने, आइसक्रीमें, जूस, फ्रूट, एवरीथिंग इज़ कमेंडेबल। लो भाइयों, ये चेक करो कितनी खूबसूरत वॉल्स हैं, साथ कुछ घर भी हैं, और घरों के अलावा कुछ ने अपने जो लाउंजेस हैं फ्रंट वाले उनको शॉप्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। आप ये देखो यार, ये पत्थर कितना पुराना लगा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन सफाई इतनी ज़्यादा है कि वो भी इतनी खूबसूरती आपको दे रही है। ये देखो, ये छोटे छोटे से कैफेस आपके बने हुए हैं, छोटे छोटे से कैफेज़ बने हुए हैं, और यहाँ पे दरमियान में ही लोग जो है अपनी अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। ये वही पार्लर, सब लोग इधर आके तैयार होते हैं। काशगर का पाकिस्तान से मिलते जुलते सारे इनके कपड़े हैं। आई होप चाइना के अगले शहरों में भी ऐसी ही हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, मतलब बूढ़ी अम्मा से लेके छोटे बच्चा तक, जितनी यंग फीमेल्स हैं, यंग बॉयज़ हैं, सब लोग ही यार बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, सब लोग मिलते हैं। आप देखो सबसे अच्छी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पे भी जाओ आपको रेस्ट रूम, जो टॉयलेट हैं,
वो आपको हर जगह मिलते हैं। और देखो कितने खूबसूरत टॉयलेट हैं, ये सारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं फ्री। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, पानी नहीं होता यहाँ पे, टिशू वाला सिस्टम है, और टिशू भी बाहर नहीं पड़ा होता। बाज़ कत आपको टिशू अपने साथ अपने बैग के अंदर ही लेके हर टाइम फिरना होता है, या एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर बैग में रखनी चाहिए अगर आपको बाथरूम जाना है तो। देखो यार, पूरे के पूरी शहर को उन्होंने कितना टूरिस्टिक बना दिया है। आप देखो एक एक दीवार, एक एक चीज़ को कितना ज़बरदस्त उन्होंने वुड से सजाया हुआ है। गलियों में फिरते हुए ये एक और मॉस्क आ गई है, मुसलमानों की काफ़ी पुरानी बनी हुई। इधर मॉस्क के बारे में भी लिखा हुआ है और बताया कि इन्होंने ये ख़राब हो गई थी जलजले की वजह से, फिर इसको थोड़ा सा इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया और रिपेयर वगैरह करके इसको इन्होंने से दोबारा इसको ठीक किया। लेकिन आई डोंट नो ये अब खुली है या नहीं। ये इसकी एंट्रेंस है और दरवाज़ा तो मुझे इसका यहाँ से बंद लग रहा है। ये देखिए ये सारी ये मॉस्क है और बंद है, ये बिल्कुल बंद कर दी गई है मॉस्क, आप इसके अंदर नहीं जा सकते। देखो पाकिस्तानी और इंडियंस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई एक रैपर भी आपको नज़र आ रहा है। पिछले 2-3 दिन से चाइना की वीडियोस बना रहा हूँ, काशगर की। ये पुराने ज़माने की गलियाँ ऐसी हैं हमारी गलियाँ भी, लेकिन हमारा देखो कूड़ा करकट कितना ही बुरी हैबिट है हमारे अंदर, लेकिन इन लोगों के अंदर देखो कितनी ज़्यादा एटिकेट्स हैं। एक रैपर नहीं आपको नज़र आता, इवन दरख्त के पत्ते भी नहीं नीचे गिरे हुए नज़र आते यार, वो भी ये लोग इतने जो है वो उठा लेते हैं। तो अब हम आगे हैं काशगर की ऑयल पेंटिंग स्ट्रीट, जिसके बारे में यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि ऑलमोस्ट ये 400 मीटर लंबी ये स्ट्रीट है, 500 गैलरीज हैं डिफरेंट, और मोर देन 60 पेंटर्स की यहाँ पे आपको शॉप्स नज़र आती हैं, और आर्ट आर्टिस्टिक पेंटिंग है यहाँ पे। और उसके बाद इसमें ये मेंशन है कि इसमें 80 ईयर ऑफ एज के लोगों से लेके 20 ईयर तक यहाँ पे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी इवन पेंटर्स हैं, आपको इस पूरी स्ट्रीट में नज़र आते हैं। ये देखिए जी, ये भी सारी इनकी पेंटिंग स्ट्रीट है और आर्टिस्टिक आपको फीलिंग आती है यहाँ पे। देखें हर जगह पे आपको पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं। ये भी ऊपर जितने बोर्ड्स हैं, और ये दरख्त देखें कितने खूबसूरत इन्होंने सजाए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको पेंटिंग नज़र आ रही हैं, वहाँ पे भी आपको पेंटर्स नज़र आ रहे हैं, और चलते चलते अब्दुलरहमान को यहाँ पे अब कोई एक ढाबा नज़र आ गया, और हम सोच रहे हैं कि अब जो चाइनीज़ स्टिक्स होती हैं, अब स्टिक्स के साथ भी कुछ खा के देखते हैं यार। तो ये हम ऑर्डर करने लगे हैं, ये काफ़ी चीज़ें बना रहे हैं इधर, इनके नाम लिखे हुए हैं। हम जो इनका काश्मीरी ज़बान है वीगर लैंग्वेज, इसको हम पढ़ तो सकते हैं। ये है ला खफू रा पिज़ा, ला खफू रा पिज़ा। हाँ, तो हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो ये नूडल्स के साथ कुछ चने वगैरह डाल के देगा, और इसका नाम है, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि रा पिज़ा, ये पे का नुक्ता एक गायब है, तो रा पिज़ा हम समझ लें ऑर्डर करेंगे अभी। अच्छी अभी हमारे लिए बनाने लगे, देखें प्लेट रखते हैं और उसके ऊपर फिर एक शॉपर चढ़ा देते हैं, यानी हाइजीन का फुल ख्याल रखते हैं ये लोग। ये इन्होंने शॉपर चढ़ा दिया, अब ये राइस नूडल्स पकड़ेगा, ये इसने राइस नूडल्स डाली और क्या डाला है, स्टिक्स। अच्छा, ये तो आंटी को दे दिए। इसके बाद ये ब्रेड है, ब्रेड को इसने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, ब्रेड नुमा चीज़ ही है, हाँ ब्रेड ही है, कुछ बेक हुई हुई है। ये डबल रोटी के कुछ पीस डाले हैं इसने, इसके बाद ये कुछ सॉस डाली है इसने, और ये फुल मिर्चों वाली अब एक सॉस, ओह माय गॉड, ऑलराइट, ये मसाले डाले हैं इनके बड़े मज़ेदार, ओहो ये कुछ नट्स डाले हैं, ये धनिया डाल दिया, और स्टिक्स, और चने नहीं डाले, टू, हाँ, एंड दिस चिक पीस, ओके ये आ गए जनाब चने, और लेट्स गो।
आओ देखें यार कितनी क्यूट बच्ची हमारे साथ शेयर कर रही है अपनी दादी नहीं और अम्मी हेलो नहीं हाओ नहीं हाओ लें जी ये आ गया है हमारा कुछ खट्टा मीठा सा कुछ चाट है कुछ बिस्किट है पता नहीं क्या है इसने डाला और स्टिक्स हमने निकाल लिए और हमने कभी खाया नहीं है कोशिश की है इनसे सीख के हमने स्टिक को पकड़ा है और ऐसे ऐसे करके कुछ खाना है ट्राई करते हैं ओहो पहली दफ़ा में आ गया मज़ेदार बिस्कुट लेकिन बहुत स्पाइसी है ओहो बहुत स्पाइसी है चने कैसे लाने हैं यार ये तो बहुत स्पाइस आ जाएगी इसमें ऐसे करके और यार नीचे से निकल जाती है एकदम ये यार ये नीचे वाली को फिक्स रखना है और ऊपर वाली को ऐसे करना है ऐसे ही उसने कुछ बताया था हाँ ऐसे करना है ऐसे चल भाई यार दरमान भी ट्राई कर रहा है चना चाट गया एक तरह की ये देखें नूडल्स और चने और ये थोड़ी सी ब्रेड है इसके साथ जैसे अब हमारा एंड हुआ है अब हमें सही पकड़ना आ गया देखें कितने प्रोफेशनल तरीके से मैं चने पकड़ रहा हूँ थ्रू आउट जितने भी मैं यहाँ पे लोग देख रहा हूँ वो चाइनीज़ ही हैं टूरिस्ट इनके लोकल टूरिस्ट आपको आउटसाइडर्स बहुत कम नज़र आएंगे इतनी आबादी है इनके मुल्क की कि इनको और टूरिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे इनके हर तरफ जो है ये बैंड्स वगैरह लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है और आई थिंक ये इस स्ट्रीट का पूरा एंड है जहाँ पे आई थिंक कोई ताजिक डांस और जो भी इनका लोकल काश्कर का डांस है वो यहाँ पर होता है तो जी अभी इनके दूसरे बाज़ार के अंदर हम आ गए हैं ये इनका कोई रेस्टोरेंट है गोलकनुई हेलो हाउ आर यू What is this? Is this a house or a restaurant? Yes, you can dance here. You can dance together. Oh, this you is... can drink tea. Okay. 30 yuan per person. How much? 30 yuan per person. 30 yuan? Yes, yes. For the tea? Yes. Oh. For the dance. For the dance? You drink fruit. Okay. Watermelon. Okay. Water. And that's all included in 30? Yes. Okay, if we pay 30, we will both have all everything. Yes. And what are the drinks that are included? Tea. Only tea? Yes. And the fruits? Yes. What kind of? Watermelon and tea. Okay, only watermelon and tea. I just want to make some video for my YouTube. Okay. So can I go? Okay, thank you. All right, so ye ek हाउस के अंदर इन्होंने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और यहाँ पे ये लोग टी भी सर्व करते हैं और साथ कहते हैं आप डांस कर सकते हैं हमारे साथ मिलके देखिए कितना खूबसूरत यार इन्होंने ये इनका अपना पर्सनल ज़ाती घर है ये इनके लोकल कॉस्ट्यूम के अंदर ये लोग बैठी हुई हैं फैमिलीज और साथ ही टी बना के दे रही हैं इनकी फैमिलीज़ की ही सारी फीमेल्स हैं ये मिलके टी भी सर्व कर रही हैं सारे फ्रूट सर्व कर रही हैं इधर इन्होंने म्यूज़िक का सीन रखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट्यूम वाला सीन भी रखा हुआ है Thank you.
Zongore. Zongore. Zongoze. Pakistan. Shomotote. Shomotai. Nani, Pakistan. Oh, Shomotate. Somotate. Somotate. Somota. Shambhakta, Pakistan. चले यार ये देखिए बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपके साथ घुलने मिलने वाले हैं, और यहाँ से आपको कल्चर का पता लगता है ओवरऑल जितने भी चाइनीज़ कल्चर है, आई डोंट नो आगे क्या होगा, काशी का कल्चर बहुत पसंद आ रहा है और बहुत ही अच्छा है। देखिए कितने लाइवली बच्चे हैं, ये आपको हर जगह पे ऐसे बच्चे नहीं मिलते, देखिए कितने ज़बरदस्त बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हैं आपके साथ। तो यार अच्छा अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एक और मस्जिद है, बड़ी ही खूबसूरत बनी हुई है, जैसे आपने शालमी में आई थिंक मस्जिद है, ऊंची मस्जिद एक बिल्कुल उसी तरह की है, ऊपर हवा में बनी हुई है, लेकिन जैसे आपको पता है कि काशगर में काफ़ी मस्जिदें ख़त्म कर दी गई हैं, इस मस्जिद को देख के भी हमें यही लग रहा है कि खूबसूरत मस्जिद तो है लेकिन नीचे इसको एक कैफ़े बार में कन्वर्ट किया हुआ है, ऊपर जो नमाज़ की पढ़ने वाली जगह है वहाँ पर सारी खाने की टेबलें और सीट्स लगी हुई हैं और बाकी ऊपर वो मीनार है। तो ये मस्जिद भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं रही, सिर्फ वो जो ईदगाह वाली मस्जिद है जिसको इनकी ज़बान में ईदगाह कहते हैं वो मस्जिद है, बाकी सारी मस्जिदें हमें उस तरह नहीं नज़र आई, और जिसमें हमने जुमा पढ़ा था उसमें नाइस टू सी यू अगेन तो जिसमें हमने नमाज़ पढ़ी थी उसमें उन्होंने बताया कि पांचों नमाजें उसमें होती हैं, बाकी किसी मस्जिद में नहीं होती, सिर्फ वही है। ओके बाय 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 काशगर, बाय बाय चाइना, बाय बाय उधर कर दो, बाय बाय काशगर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड बाय गुड बाय।